YouTube के सफर में हर किसी नए यूट्यूबर को 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है। जब ये क्राइटेरिया पूरा होता है उसके बाद हम अपने चैनल को मोनेटाइज करते हैं तो हमें वहाँ पर गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है और चैनल उसके बाद जाता है रिव्यू में। तो रिव्यू में जाने के बाद फिर हम भाई मेहनत करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, एवरीडे वीडियो बनाते हैं, कोई वीक में दो बनाता है, कोई तीन बनाता है। तो इस टाइप से हमारी YouTube की जर्नी स्टार्ट होती है। YouTube की जर्नी तो खैर पहले से ही स्टार्ट है जब आपने वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स गेन किए, लेकिन उस समय आपको उसका कुछ भी नहीं मिला, आपका चैनल मोनेटाइज ही नहीं था। तो जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है फिर उसके बाद हमारी YouTube की जर्नी स्टार्ट होती है, हम उससे अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई जब हम अर्निंग स्टार्ट करते हैं, जब हमारे $10 बन जाते हैं हमारे एडसेंस अकाउंट में, उसके बाद क्या होता है कि वो हमें एक आईडी वेरिफिकेशन कराता है। वैसे $10 से पहले भी करा लेता है, पैन कार्ड और ये वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट से हम आईडी वेरीफाई कर सकते हैं। और जब $10 पूरे हो जाते हैं उसके बाद हमारे पास एक आता है एड्रेस वेरिफिकेशन पिन, जो गूगल एडसेंस अकाउंट भेजता है। तो वो एड्रेस वेरिफिकेशन पिन 6 डिजिट का होता है, वो हम डाल देते हैं। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। वो डालने के बाद नेक्स्ट बारी आती है हमारा अकाउंट उसमें ऐड करने की, बैंक अकाउंट जिसमें स्विफ्ट कोड, IFSC कोड वगैरह है, अकाउंट को गूगल एडसेंस में ऐड करने की। तो भाई ये बड़ी ही खुशी का दिन होता है, क्योंकि जब तक पैसे आएंगे कहाँ यार, कहाँ पे आएंगे भाई पैसे? पैसे आएंगे हमारे बैंक के खाते में, अकाउंट में, तो अकाउंट ऐड करना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, अकाउंट को कैसे ऐड करते हैं गूगल एडसेंस में, कहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है, तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। और ये सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप साइट मोड में। तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो देखिएगा पूरा एंड तक और उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएंगी। और भाई जो भी मेरे चैनल पर नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लेना। और वीडियो नो डाउट बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव है, तो इसे भाई पहले ही लाइक कर देना। और जो भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, आप कमेंट में पूछते जाओ, मैं बताता जाऊँगा। तो आप चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये मैंने अभी अपना गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमें अपना अकाउंट इसमें कैसे ऐड करना है। तो ये देखिए, जो भी मैं कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप साइट सिलेक्शन करके 3 डॉट से। आपको सेम हूबहू ऐसा ही दिखाई देगा जैसा मेरा ये वेब पेज आपको दिख रहा है। तो इसमें ये जो लेफ़्ट साइड में है पेमेंट ऑप्शन, इसमें जाएंगे और यहाँ पर पेमेंट इन्फो एंड वेरीफिकेशन चेक है, तो वेरीफिकेशन चेक को क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ इस टाइप का विंडो आएगा। जो विजार्ड आएगा यहाँ पर दिखा रहा है हमारा आइडेंटिटी वेरीफिकेशन कम्प्लीटेड, एड्रेस वेरीफिकेशन कम्प्लीटेड। दूसरा यहाँ पर आ रहा है पेमेंट इन्फो, तो पेमेंट इन्फो में ये ऊपर आ रहा है पेमेंट अकाउंट एडसेंस इंडिया, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा इंडिया $US। यहाँ पर आते ही देखिए यहाँ पर ये मेरा अभी $10.83 हो गया ये दिखा रहा है। और यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड में जब जाते हैं ये यहाँ पर हमसे इतनी चीज़ें पूछ रहा है। बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शनल है, ये डालना ज़रूरी नहीं है। दूसरा नेम ऑन बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट में आपका जो नाम लिखा हुआ है वो, ना कि बैंक का नेम। नीचे बैंक नेम, उसके नीचे IFSC कोड, उसके नीचे स्विफ्ट कोड, अकाउंट नंबर रीटाइप, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन भरनी है और इनमें कोई गलती नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा जो लोग गलती करते हैं वो करते हैं स्विफ्ट कोड में, क्योंकि IFSC कोड आपको आपकी चेकबुक के ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप नोट डाउन कर लें और इसमें एंट्री कर दें। और बाकी आपका अकाउंट नंबर भी चेकबुक में रहता है। स्विफ्ट कोड के लिए आप अपनी बैंक की ब्रांच में, शाखा में बात कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, कस्टमर केयर को कॉल करके भी पता कर सकते हैं। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो भाई फटाफट से जल्दी से मैं अपने इस फॉर्म को फिल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर है बेनिफिशियरी आईडी एंड, तो मैं फिल कर लेता हूँ। तो भाई मैंने अपना डिटेल पूरा फिल कर दिया है और अब इसको हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इतना सा करना है सेट एज प्रीमियर
प्राइम सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड, तो इसे यहां पर कर देते हैं सेव। इसे सेव करते ही ये हमारा डन हो जाएगा और देखिए ये हमारा बैंक अकाउंट नंबर ऐड हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये बड़ा ही आसान है, इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगा हो तो इसे भैया खटाक से लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और साइड की घंटी को टर्न टर्न कर देना। ठीक है, तो आगे मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।